गाइस वेलकम बैक टू मिशन मैकेनिक्स। आज की जो वीडियो लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ कि हमारी जो है होंडा एक्टिवा 6G, इसके अंदर हम ट्रम्पेट वाले हॉर्न कैसे लगा सकते हैं। पहले आपको मैं चेक करवा देती हूँ इसके अंदर कौन से लगे हैं हॉर्न। आपने साउंड सुन नहीं लिया कि कौन से हॉर्न लगे हैं। अब इसको फर्स्टली मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हमारा फ्रंट है पैनल, इसको ओपन कैसे करना है। इसके अंदर हमने करना है क्या है, ये जो फ्रंट की साइड है यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं, एक स्क्रू इस साइड है, वीडियो को बिना स्किप करे देखना आपने, तो ही आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा पाओगे। इस साइड भी एक स्क्रू है। हमारे एक्टिवा के पुराने मॉडल से उनके अंदर तो हमारे साइड फ्रंट की साइड भी स्क्रू होते थे इस साइड, बट इसके अंदर हमारे इस साइड जो मैं कह रहा हूँ कि स्क्रू होते थे, इसके अंदर लॉक सिस्टम है, दिखाता हूँ मैं आपको वो भी। आप देख सकते हैं कि इस साइड दो लॉक है, इधर अंदर की साइड फंसते हैं ये लॉक। अब इसके अंदर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि जो मैं हॉर्न इंस्टॉल करने जा रहा हूँ कौन से हॉर्न है और कैसे लगा रहा हूँ मैं उनको। इसके अंदर फर्स्टली हमने करना क्या है, रिले इंस्टॉल करनी है। जो मैं रिले यूज कर रहा हूँ वो रूट्स की है। आप मतलब हैवी रिले लगानी है, अगर सस्ती लगाओगे तो बहुत जल्दी उड़ जाएगी। रिले लगाने के लिए आपने करना क्या है, आप इस साइड देख सकते हैं 88 और 99 है, इनके ऊपर हमने लगाना है थिम्बल टाइट करके थोड़ा। ये जो वायर्स है हमारे स्टॉक हॉर्न में से आ रही थी, वही वायर्स लगानी है हमने। आपको मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ रिले लगाने का, जो 30 है, 30 हमारी जाती है हमेशा बैटरी के ऊपर, एंड ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये जाती है हमारी हॉर्न की वायर्स पे। आपने साउंड सुनी है, क्लिकिंग साउंड आई है कि हमारा थिम्बल लग गया। इस साइड में मैं थिम्बल का यूज करके एक बैटरी तक वायर पहुंचा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ बैटरी इसकी कहाँ पे है। जो हमारी 6G है इसकी बैटरी इन्होंने नीचे की साइड दी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये दो स्क्रू खोल लिया है तो हम बैटरी की साइड पहुंच जाएंगे। ये आप लोग देख ही सकते हैं कि हम बैटरी की साइड पहुंच चुके हैं, ये लगी है हमारी बैटरी। अब इसके अंदर से हमने निकाल लिया वायर। इसके अंदर जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि एक बैटरी के लिए एक्सटर्नल वायर डालनी है, ये मैंने इस साइड से डाली है बैटरी के लिए वायर। यहाँ ये पैनल खोल के अंदर से निकाल दिया हमने सारी वायर, ये आ चुकी है हमारी इस साइड पे। नीचे लगाने से पहले मैं आपको रिले के अंदर लगा के दिखाऊंगा कि ये कौन सी साइड में लगेगी हमारी वायर। पहले वायर को छीलते हैं हम। वायर को पील करने के बाद जो मैं अच्छे तरीके से प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, थिम्बल लेके आया हूँ मैं, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। थिम्बल को लगा के अच्छे तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ अ प्लायर टाइट कर देना।
एंड इसके बाद इसको अच्छे तरीके से टेपिंग करनी है पहले, हमने लगाने से पहले। ये हमने जो निकाली है बैटरी से वायर, थिम्बल अच्छे तरीके से लगा दिया है। इसके अंदर हमने लगाना जो है 30 लिखा हुआ है, इसके ऊपर लगेगा। ये मैं जो भी तरीका बता रहा हूँ आप ये यूज़ करोगे तो आपकी स्कूटी की वारंटी कभी भी वॉइड नहीं होगी। एंड जो अगला प्रोसेस है कि इधर से लेके हमने 2 वायर्स एक्सटेंड करनी है। इसको एक्सटेंड करने से पहले मैं लगाऊंगा अपनी स्कूटी में हॉर्न इंस्टॉल जो मैं करने जा रहा हूँ, वो भी आपको मैं सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। अंदर जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो है मिंडा के ट्रम्पेट हॉर्न, ये पेयर ही आता है, आपने सुनी होगी क्रेटा वाली साउंड जो आती है, ये वो वाले हॉर्न है। इसकी मैंने पत्ती दोनों साइड से बेंड कर दी है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों की है। आप देख सकते हैं कि इस साइड एक हॉर्न लगेगा हमारा ऐसे, एंड दूसरा लगेगा इस साइड को, एंड उसके बाद हमारा बोल्ट जो है टाइट हो जाएगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट बच चुका है, इसके लिए मैंने एक ये वायर तैयार किया है, एक साइड थिम्बल लगा के दोनों दिए हैं, ये जाएगी हमारे थिम्बल पे। हमारी रिले का सारा काम हो चुका है तो इसको हम टाई कर रहे हैं। काम बिल्कुल मैंने आपको सारा प्रोफेशनली बताया कि आप कैसे कर सकते हैं, कोई वायरिंग की कटिंग नहीं की हमने, बिल्कुल जेन्युइन काम करके बताया आपको। एंड आप भी यही सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो कि आपकी स्कूटी की वारंटी वॉइड ना हो। एंड जो मैं आपको अब चीज बताने जा रहा हूँ वो आपने शायद ही किसी वीडियो में सुनी होगी, जो कि बहुत यूजफुल चीज है। ये जो हमारे जो थिम्बल्स है ये जाते हैं हमारे हॉर्न के पॉजिटिव में। बहुत सारे भाई लोग कहेंगे कि हॉर्न का तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं लिखा नहीं होता, कैसे पता लगेगा? आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस साइड जहाँ पे कुछ भी आपका लिखा होगा उसके मतलब जो बिल्कुल क्लोजेस्ट साइड होगी वो होता है हमारा हॉर्न का पॉजिटिव। अब मैं आपको हॉर्न इसके अंदर लगा के दिखा रहा हूँ सीधा। सोच रहा था कि पुराने हॉर्न के साथ अटैच कर दूं, फिर मैंने सोचा कि वो हॉर्न कहीं ना कहीं और काम आ जाएंगे, तो इसलिए मैं नट बोल्ट लेके इस साइड लगा रहा हूँ। हमने अच्छे तरीके से कस दिए हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं हिल भी नहीं रहे। एंड इस स्क्रू को मैं थोड़ा सा लूज करूंगा बिकॉज हमने ग्राउंड भी देना है। ग्राउंड किसी भी चीज का देना हो हमने अच्छे ना। कि बाय चांस हमारी स्कूटी अगर किसी गड्ढे में भी जाए तो ग्राउंड हमारा निकले ना। ग्राउंड हमने लगा दिया एंड मैं चेक करने लगा क्योंकि बिकॉज मेरे को पता है कि चल ही जाएंगे,
बाकी अब इसकी सारी फिटिंग को करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, एंड उसके बाद मिलते हैं फिटिंग करने के बाद। सारी फिटिंग्स हमने कर ली है अपनी स्कूटी में, आप देख ही सकते हैं कि कुछ पता नहीं लग रहा कि कुछ छेड़ा भी हमने स्कूटी में या नहीं। अब टाइम आ गया इसकी टेस्टिंग करने का। मैंने भी टेस्टिंग की नहीं, अब आपके सामने फर्स्ट टाइम हॉर्न जो है हमारा बजने जा रहा है। आप साउंड सुन नहीं सकते हैं कितनी बढ़िया डिसेंट साउंड आ रही है। ये मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जिस टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, एक भी वीडियो अपलोडेड नहीं है जिसके अंदर की बताया हो प्रोसेस की रिले साथ कैसे लगाना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ जो डिसलाइक करके जाएंगे वीडियो को वो रीज़न भी ज़रूर लिख के जाएँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।